बंदों में था दम, ये वेब सीरीज का नाम आपने सुना होगा, वूड पर ये आई हुई है। तो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तो आप जानते ही हो ना, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, और लास्ट टाइम जब ये हुआ था उसी सीरीज को इसमें दिखाया गया है। ना ना आप डरिए मत, इसमें मैचेस नहीं दिखाए जाएंगे, बिहाइंड द सीन दिखाए जाएंगे कि उस वक्त इंडियन टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम की जो मेंटेलिटी थी वो क्या थी, कैसे इंडियन टीम को दबाया जा रहा था ग्राउंड पर और ग्राउंड से बाहर, और यहाँ तक कि स्टेडियम में बैठे लोग भी उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे अलग अलग कमेंट करके, ताकि इंडियन टीम की जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो डाउन हो जाए और इंडिया आसानी से सीरीज हार जाए। बट हुआ क्या था ये तो आप सबको मालूम है, और यही सारी पीछे की कहानियाँ आपको जानने को मिलेंगी कि इंडियन टीम पर क्या गुजर रही थी उस वक्त, अब उनके इमोशन के साथ खेला जा रहा था, हर एक मिनट उनको टारगेट किया जा रहा था। ऑस्ट्रेलियन टीम को तो आप जानते ही हो, वो कुछ भी करती है अपनी जीत को लेकर, किसी भी हद तक वो गिर सकती है। ये तो हमने रिकी पोंटिंग की अगवाही में 2004 का टेस्ट सीरीज में देख ही लिया था, तो उसी का ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो हुआ ऐसे कि नीरज पांडे सर ने एक वेब सीरीज बना बंदों में था दम, और नीरज पांडे की डिटेलिंग के तो आप समझते ही हो ना, उसका फैन हूँ भाई मैं उस बंदे का। जिमी शेरगिल की पीछे से आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। तो अगर आपने ये ना सीरीज देखी होगी तो आप समझते होंगे कि उस वक्त तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने इंडिया पर बॉडी लाइन बॉलिंग कर रहे थे, बॉडी लाइन बॉलिंग मतलब उनकी बॉडी पर हिट कर रहे थे ताकि ये पीछे हो जाएं, ये अपना बैट आगे करें, ऐसी वैसी शॉट खेले और ये आउट हो जाएं। तो ये सभी कहानी शुरू होती है पहले मैच से, जहां पर 36 रन पर यार ऑल आउट हो गई थी इंडिया अपनी सेकंड इनिंग्स में, और उसी मैच के बाद विराट कोहली को जाना पड़ा था इंडिया वापस, क्योंकि उनके कुछ पर्सनल इशू थे। तब आए हमारे रहाणे साहब, रहाणे साहब तो आ गए और उन्होंने आते ही सेंचुरी भी लगाई थी अगले मैच में, काफी पॉजिटिव मैसेज गया था पूरी टीम की तरफ। प्रॉब्लम तो ये थी कि टीम में खिलाड़ी थे ही नहीं, जितने खिलाड़ी वो लेके गए थे उनमें से बहुत मुश्किल से हमारे पास खेलने लायक खिलाड़ी हो रहे थे, क्योंकि मैक्सिमम जो सीनियर खिलाड़ी थे वो सभी चोटिल हो चुके थे, यहाँ तक कि जडेजा शमी ये कोई भी नहीं था, क्योंकि उनकी बॉडी पर बॉलिंग ऐसी की जा रही थी कि उनको इंजरी हो जा रही थी। और लास्ट मैच तक तो ये हालत हो गई कि इंडिया 11 खिलाड़ी ग्राउंड पर उतारने भी मुश्किल हो गए थे। बट कहते हैं ना, गाबा का घमंड जो तोड़ा था इंडिया ने वो तो ऐतिहासिक था, वो सबसे ऐतिहासिक मैच हो गया था, और ये सबसे ऐतिहासिक सीरीज थी। ऋषभ पंत की वो पारी, हमारे वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, सब खिलाड़ियों ने क्या खेल दिखाया था, मतलब हमारे अपर ऑर्डर से लेके हमारे लोअर ऑर्डर तक सबने ही अपना दम दिखा दिया था कि भाई तू जितना मर्जी हमको ठोक ले अपुन तो जीतेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी तारीफ बनती है चितेश्वर पुजारा, हनुमा बिहारी, रविचंद अश्विन, इन सब खिलाड़ियों की भी, क्योंकि चितेश्वर पुजारा ने जितनी बोले अपने ऊपर खाई है ना, इतनी किसी ने नहीं खाई थी, लिटरली वो इंजर्ड ही हो गए थे। और हनुमा बिहारी तो भाई सेकंड लास्ट मैच में तो इंजर्ड होने के बाद भी ग्राउंड पर उतरे थे ताकि उनकी टीम मैच ना हार जाए। तो ये छोटे छोटे इमोशन है ना जो बिहाइंड द सीन आपको दिखाए जाएंगे, लिटरली आप रो पड़ोगे, आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, क्योंकि इतना इमोशन है। होटल में क्या हो रहा था, ड्रेसिंग रूम में क्या बातें चल रही थी, ग्राउंड के बाहर कैसे उनको बुली किया जा रहा था, ऑस्ट्रेलियन टीम कैसे उन पर प्रेशर बना रही थी हर तरफ से, ग्राउंड पर किस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा था, विकेट के पीछे से क्या क्या कमेंटबाजी हो रही थी, ये सब चीज़ें उसमें दिखाई जाएंगी, बहुत ही क्लियरली दिखाई जाएंगी, और आप उन सब चीज़ों के आसानी से समझ पाओगे। जो मैच हमको सिर्फ ग्राउंड पे दिखता है वो काफ़ी ज़्यादा अपने पीछे छिपा लेता है काफ़ी सारी बातों को, हर चीज़ वो हमको नहीं दिखा पाते, वही सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। दुनिया के इतिहास के सबसे बड़ी सीरीज बन गई है ये। तो अगर आपने इस मैच को सिर्फ देखा था, अगर आपने इस मैच को देखा भी नहीं था, इस सीरीज को भी नहीं देखा था, तो आपको ये देखना चाहिए, ये सीरीज देखनी चाहिए। गाबा का घमंड तोड़ने के साथ ही इंडिया ने एक बार फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे अपना कब्जा किया था, और उनके कोच को मीडिया के सामने आके ये बोलना पड़ा था कि नेवर एवर एवर अंडर एस्टिमेट द इंडियन। उनकी सारी जो शेकी थी वो पानी में डूब गई थी, और उनको पता लग गया था कि इंडियन को टारगेट करना नामुमकिन है, ये पुरानी इंडियन टीम नहीं है, ये न्यू इंडियन टीम है, यंग टीम है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो भाई वूड सेलेक्ट पर जाइए, इसको देखिए, एंजॉय कीजिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देखिए, जाके एंजॉय कीजिए, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चाहिए।